ये बातें सारी पहले हो चुकी हैं, मैं दोहरा रहा हूँ कि ये बहुत अहम मज़मून है और इसमें तबाही आई हुई है। और शरीयत ने जितने रिश्ते बताए हैं उन तमाम रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता खामिंद और बीवी है। वालदैन का भी इतना अहमियत कुरान ने नहीं बयान की, बहन भाइयों की इतनी अहमियत बयान नहीं की कि वालदैन के लिए चंद आयात, बहन भाइयों के लिए चंद आयात, बाकी रिश्तों के लिए चंद आयात और खामिंद बीवी के लिए सैकड़ों आयात हैं। सैकड़ों कुरान भरा पड़ा है कि ये रिश्ता बच जाए, चूँकि बाकी रिश्ते टूटते नहीं, ये टूट जाता है। मेरा बाप से रिश्ता, मेरी इताअत और फरमाबरदारी हो या नाफरमानी हो, मैं अपने बाप का बेटा हूँ। मैं अपनी माँ को तंग करता हूँ या खुश रखता हूँ, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, ये रिश्ता नहीं टूटता। मेरी भाई से लड़ाई है या सुलह है, ये रिश्ता नहीं टूटता। लेकिन खामिंद बीवी का रिश्ता टूट जाता है, एक बोल पर टूट जाता है। तो एक बात रह गई थी कि लिबास आदमी अपनी पसंद का ख़रीदता है। जब छोटा बच्चा होता है फिर तो माँ बाप पहनाते हैं, जब वो होश में आ जाता है तो वो लिबास अपनी पसंद का लेता है, माँ की पसंद का नहीं लेता, बाप की पसंद का नहीं लेता है। तो लफ्ज़ लिबास में इशारा है कि वालदैन को चाहिए कि शादी में अपनी बेटी और बेटे की पसंद का ख्याल रखें। ये लफ्ज़ लिबास बता रहा है कि जब हम छोटे थे हमें माँ बाप जो पहनाते थे हम पहन लेते थे, जब से हमने शऊर में कदम रखा है तो अब हम अपना लिबास खुद ही ख़रीदते हैं, चाहे वो नीला हो, पीला हो, काला हो, सफ़ेद हो। मुझे सफ़ेद पसंद है, ज़िंदगी गुजर गई सफ़ेद कुर्ते शलवार में। तो लिबास में इस बात की तरफ इशारा है कि लड़के लड़की की पसंद और नापसंद को देखा जाए। हमारे मुआशरे में बेटियों से तो पूछता ही कोई नहीं और बेटों पर भी मुसल्लत करते हैं, ऐसे ही करनी है, बस हमारा फ़ैसला है। वालदैन से कहता हूँ अल्लाह के वास्ते, ये अल्लाह ने शरीयत ने हक रखा है बच्चे बच्चे का, मैंने कबूल किया। लड़का कहता है, बाप तो नहीं कहता है। तो जो ने जिसने कहना है मैंने कबूल किया तो वो कबूल तो करे। एक साहबी ने आके अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैंने वो निकाह का पैगाम दिया है, तो आपने फरमाया तो ने वो लड़की को देखा है? कहा जी नहीं। आपने कहा देख लो कि तुमने ज़िंदगी गुजारनी है, देख लो। इतनी गुंजाइश रखी है कि लड़का लड़की बैठें, आपस में बैठें, एक दूसरे को देख लें, बातचीत कर लें, तो उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है। तो हमारा माहौल है कि ये भी हिंदू से आया हुआ मुआशरा है कि वो ज़ात पात में फंसे हुए थे, बस हमने राजपूतों में करना और कहीं नहीं करना, हमने जाटों में करना और कहीं नहीं करना, हमने अरानियों में करना और कहीं नहीं करना, हम ये हैं, हम इसके अलावा और कहीं नहीं करते। ये पूरे हमारे माहौल में एक चीज़ रची हुई है। कितने बच्चे मेरे पास आते हैं, बच्चियों के फ़ोन आते हैं, माँ बाप ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं, मेरा दिल नहीं कर रहा लेकिन वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो अगर ज़बरदस्ती करें तो फिर मान जाओ, मान जाओ, कुर्बानी दे दो, फिर बगावत ना करो, कुर्बानी दे दो। क्योंकि एक इसके ज़िद में इंतहा की बात हो रही, वो है कोर्ट मैरिज, के बाज़े बच्चे बच्चियाँ इतने बागी हो जाते हैं कि वो अदालत में जाके अपना निकाह कर लेते हैं। मैं इसको ठीक नहीं समझता कि माँ बाप की दुआएं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। माँ बाप ज़्यादती करने पर आ गए हैं, मान जाओ, मान जाओ, और अल्लाह से मांगो, अल्लाह पाक उसमें आपके लिए बेहतरी की शक्लें बताएगा। इस कैमरे के ज़रिए से लोग जो सुन रहे हैं, सारा मुल्क तो नहीं सुन रहा है लेकिन जो सुन रहे हैं, ये शादी बच्चे का मामला है, बच्ची का मामला, अल्लाह के वास्ते पूछा करो, पूछे बगैर करना ज़्यादती है।
میرا نبی کی حدیث سناتا ہوں، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، میں نے شادی کی یا بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے وحی آئی، جبریل آئے، پیغام لائے، حکم لائے، پھر میں نے یہ کام کیا. ٹھیک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لے کر آئے ہیں، پہلے ابوبکر صدیق نے رشتہ مانگا، آپ خاموش یعنی انکار. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی، خاموش یعنی انکار. عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے کہا تم جاؤ. وہ فرمانے لگے میں تو بہت غریب ہوں، میرا تو گھر بھی اپنا نہیں، مجھے دے دیں گے؟ کہاں دے دیں گے، تم جاؤ. تو حضرت علی تشریف لائے، را کے بیٹھے تو شرم کی وجہ سے بولا ہی نہ گیا. تو آپ نے فرمایا علی کیسے آئے؟ وہ چپ. اب آپ کو تو پتہ تھا علی کیسے آئے، آپ تو اندر دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا لگتا ہے تم فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو گئے. کہا جی ہاں. تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے. تو حضرت علی باہر تشریف لے کے، صحابہ کھڑے ہوئے تھے انتظار میں، کیا ہوا؟ تو فرمایا انکار ہو گیا. کہنے لگے کہ کیسے؟ کا کچھ بولے ہی نہیں. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ تو بولے ہوں گے. کہا بس انشاءاللہ کہا تھا. کہا تو پھر بس مبارک ہو، ہو گیا کام. تو حضرت علی نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا، لہذا تیرا کام ہو گیا. اچھا اب بچوں، میرے بچوں سنو، جبریل آ چکے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ رشتہ یوں ہونا ہے، وہیں ہاں کر دیتے؟ اللہ کے امر کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں، وہیں ہاں کر دیتے. یہاں کیوں نہیں کی؟ گھر گئے، بیٹی فاطمہ، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال ہو. فاطمہ کا رشتہ آیا ہے، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں. آپ کا کیا خیال ہے، حضرت فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ جنت کی سردار، نبی کے جگر کا ٹکڑا، وہ انکار کرتے ہیں. یہ تو آج کی بچے ہم، ہماری بیچاری چپ کر کے بیٹھ جاتی، اچھا جی جی میں تھوڑی مرضی. اور وہاں ہمیں تو پتہ نہیں کہ وہی کیا ہے، یہاں تو وہی آ چکی ہے کہ علی اور فاطمہ کی جوڑی آسمان پہ طے ہو چکی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقرار کے بعد آپ باہر تشریف لائے. وہیں اقرار کیوں نہیں کیا؟ ہمیں سبق دینا تھا کہ آسمان سے وہی بھی آئی ہو تو بھی بیٹی سے پوچھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے کہا علی بلاؤ لوگوں کو. تو وہ اس وقت مسجد بھر گئی ساری. تو آپ نے سامنے بٹھایا اور خود ممبر پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں، میرے پاس جبریل یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. پھر آپ نے خطبہ پڑھ کے فرمایا کہ علی، میں نے 400 درہم کے عوض فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو انہوں نے کہا قبول، تو میں نے قبول کیا اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یہ دعا مانگی اور اللہ کے نبی نے کہا آمین. آپ نے زور سے اوپر سے کہا آمین. پھر آپ نے سارے شرکائے نکاح کو شہد کا شربت پلایا اور کھجور کھلائی، شہد کا شربت اور کھجور کھلائی. تو آسمانی وحی کے بعد بھی باپ پوچھ رہے ہیں کہاں کر دو. تو ہمارے پاس تو وحی نہیں ہے، اور ایک بچی نے زندگی گزارنی، ایک بچے نے زندگی گزارنی، اور ماں باپ ان کی وہ رائے کے خلاف اولاد بولے تو وہ کہتے ہیں یہ گستاخ ہو گئے ہیں، یہ نافرمان ہو گئے ہیں. وہ پھر وہ ان کو وہ جذباتی طور پر نا ان کو ان پر پریشر ڈالتے ہیں. ہم نے
तुम्हें बचपन में पाला, हमने, माँ कहती मैं तेन दूध पिवाया, मैं तेरे पोतड़े धोते, आज तो मेरे अगू बुलेना है। वो अम्मा जी मैं जिंदगी गुजारनी है, तुसी गुजार बैठे हो, मैं गुजारनी है। हमारे दीनी हल्के हों या दुनियावी हल्के हों, ना कोई बच्चे से पूछता है कि बेटा यहाँ आपका कर दें आपका क्या राय है, ना कोई बच्ची से पूछता है कि बेटी ये रिश्ता आया हाँ कर दें, बल्कि बच्चियों से छुपा के रिश्ते किए जाते हैं कि वो बच्ची को पता ही नहीं होता। हमारे पुराने ताल्लुक वाले जिम्मेदार घराने की बच्ची कहा जी मौलाना साहब चलो माँ बाप जहाँ कर दें ठीक है, हमारा सर झुका हुआ है, इतना तो देख लेते इंसान का बच्चा होता है, एक शराबी के साथ मेरी शादी कर दी, उम्र गुजर गई मेरी रोते रोते, फैमिली में ही करना था तो कोई और शरीफ बच्चा देख लेते, मुझे सिर्फ फ़ोन पे कहा गया कि वासी तेरा तेरी मंगनी कर देती है तो फलानी तारीख नो तेरी शादी, और वो शराबी था मेरा, आज तक वो शराब पीता। ये वो दुखते हुए मसाइल हैं जिनको हम दीन की रोशनी में देखते ही नहीं हैं, अपने रवाज की रोशनी में देखते हैं, हमारा रवाज क्या है, हमारा दस्तूर क्या है, उस पर हम चलते हैं। तो मेरे नबी ने हम उम्र से शादी की, सौदा, उम्र से बड़ी से शादी की खदीजा, कम उम्र से शादी की बाकी सारी बेगमात, ख़ास तौर पर हज़रत आयशा, मुतल्लका से शादी की ज़ैनब, बेवा से शादी की खदीजा हफ्सा, कुमारी से शादी की आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मालदार से शादी की खदीजा, गरीब से शादी की जुवेरिया, बांदी होकर आई हैं, हम सर से बराबर बराबरी में शादी की उम्म सलमा उम्म हबीबा, अपने ख़ानदान में शादी की आयशा उम्म हबीबा उम्म सलमा, ये हफ्ज़ा ये कुरैश हैं, ख़ानदान से बाहर कौम में शादी की जुवेरिया मैमूना, कौम से भी बाहर यहूद में शादी की सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये कितनी नस्बतें एक औरत की बन सकती हैं, इन सब में मेरे नबी ने शादी की। और आप हैरान होंगे अपनी तीन बेटियां बनू उमैया को दी जिनके साथ जानी दुश्मनी, अबुल आस को हज़रत ज़ैनब, अबुल आस बिन रबी बिन उमैया बिन हर्ब, और उस्मान बिन अफ़ान बनू उमैया, तो पहले हज़रत रुकैया का किया, फिर उम्मे कुलसुम का किया, और अली अपने घर के थे ख़ानदान के थे तो एक फातिमा का रिश्ता उनके साथ किया, और हज़रत उस्मान के निकाह में जब हज़रत उम्मे कुलसुम का भी इंतकाल हुआ तो आपने फरमाया मेरी 100 बेटियाँ होती और इस तरह मरती 100 की 100 उस्मान के निकाह में देती। ये मुआशरत के अहकाम को अल्लाह रोज़े के दरमियान लेकर आए, ऊपर भी रोज़ा है नीचे भी रोज़ा है, और उसके बीच में अल्लाह तबारक व ताला हमें ये दिखा रहा है कि मुआशरत इबादत की तरह है, इबादत की तरह है। मुआशरत खूबसूरत नहीं होगी तो हमारा दीन खूबसूरत नहीं होगा। मैं बीवी को इज़्ज़त नहीं दूंगा, देखो तंज का बोल ऐसा जैसे कपड़े फाड़ देना, बेइज्जत करने का बोल ऐसा जैसे कपड़े फाड़ देना, और मैं कितना ही पागल हो जाऊं गुस्से में, मैं अपना कुर्ता खुद नहीं फाड़ता हूँ, मैं किसी का कुर्ता तो फाड़ूंगा अपना नहीं फाड़ूंगा। तो मेरी बीवी मेरा लिबास है, मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है, मुझे गिला आया हुआ है, तो मैं लिबास पे हाथ नहीं डालूंगा। ये मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं बीवी के की दिल शिकनी नहीं करूँगा, बीवी खामिंद की दिल शिकनी नहीं करेगी, बर्दाश्त करेंगे बर्दाश्त करेंगे, तब जाकर ये रिश्ता खूबसूरत होगा। दुनिया में किसी भी रिश्ते को बाकी रखने के लिए बर्दाश्त के सिवा कोई कानून नहीं, और इस रिश्ते के लिए बर्दाश्त सबसे ज़्यादा है कि बराबरी का रिश्ता है, कभी खामिंद गरम कभी बीवी गरम, तो दोनों ही गरम तो फिर आग भड़केगी और बढ़ती चली जाएगी। एक बच्चा मुझे आके मिला मुल्तान से, टॉप किया उसने पूरे पंजाब में एफएससी में,
तो कहा जी मैं दो दफ़ा ख़ुदकुशी की कोशिश कर चुका हूँ। मैंने कहा तुम इतने पढ़ने लिखने वाले बच्चे, तुम क्यों ख़ुदकुशी? कहा जी मेरे माँ बाप दोनों आपस में इतना लड़ते हैं कि उनकी लड़ाई से बददिल होकर मैंने दो दफ़ा ख़ुदकुशी की कोशिश की। तो मेरे नबी ने 11 घर आबाद करके हमें ज़िंदगी सिखाई है कि इस खूबसूरत रिश्ते को कैसे निभाना है।